हाँ जी हेलो एवरीवन एम आई ऑडिबल टू यू गाइज एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सभी के लिए हाँ जी गुड इवनिंग एवरीवन वन हाँ जी एक बार प्लीज़ बता दें क्या मैं ऑडिबल हूँ हाँ जी वेरी गुड इवनिंग तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा जो है सेकंड सेशन है ठीक है इसमें हम कुछ और सेंम्स करने की कोशिश करेंगे और आप शेयर कर सकते हैं लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिए इफ़ यू रियली लाइक डेट ठीक है अगर आपको समझ में आया है सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं ठीक है तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और आज का जो पॉइंट रहेगा वो सेम एज़ इट इज़ जो कल था ठीक है कुछ लेक्चर्स हमारे उस पर रहेंगे ठीक है और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे ठीक है हम उस पर चर्चा करेंगे ठीक है जी तो चलिए ठीक है डू वी नीड टू कवर द प्रीवियस क्लासेस फर्स्ट सर बिफोर द रिविजन क्लासेस अगर आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ठीक है बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए ठीक है और एंड तक बने रहिएगा आज हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे क्विज़ भी करेंगे थोड़ा सा ना वर्बल क्विज़ तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो सिक्सटी फर्स्ट वर्ड है वो है एक्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ और इंक्रीज़ के लिए यूज़ होता है ठीक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है अब यहां पर देखें योग योग भी उतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है तो इसे भी छोड़ देंगे एक्ूमेन इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्यूमेट का मतलब होता है टू एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक गुड डिसीजन ठीक है तो अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं क्विक डिसीजन ले सकते हैं तो उसे एक्यूमेट कहते हैं आपकी कार्य कुशलता ठीक है यहां पर एस्ट्यूटनेस पहला जो है आपके पास वर्ड है दूसरा है अवेयरनेस तीसरा है शार्पनेस ठीक है तो एस्ट्यूटनेस जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे है, पेपर में जो वर्ड पूछा जा सकता है वो एस्ट्यूटनेस होता है ठीक है जी अब इसके बाद यहां पर वर्ड हो चुका था कल भी और तो इसे नहीं करना है है ठीक दोबारा आ गया ये चलो वर्ड देखते हैं ठीक एफे, है वर्ड होता है जो बहुत लंबे टाइम तक कोई चीज अगर खत्म नहीं होती तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते यूज करते हैं ट्रांजिटरी ट्रांजियंट फ्लीटिंग पासिंग कोई चीज अगर खत्म ना हो अमर बोलते हैं आ, एफ, आ, मीनिंग गलत हो गया मुझसे, एक्सट्रीमली सॉरी, होता होता है, है, जो बहुत बहुत कम कम टाइम टाइम के के लिए होता है, तो के लिए, तो ट्रांजिएंट और ही ठीक है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब है एक्सट्रीमली बैड या फिर अपेलिंग बहुत बुरा कोई बहुत बुरी चीज़ उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं एबिस्मल यूज़ करते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है गेरुलस गेरुलस होता है जब कोई बहुत ज़्यादा बात करता है ना जैसे आप मुझे कह सकते हैं तो गेरुलस uh, वहां पर वर्ड यूज किया जाता है तो एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स ठीक है वॉल्यूबल चैटी ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं हाँ जी एफेमेरल होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर शो हो रहा होगा दिख रहा होगा हाँ जी कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं हाँ जी सिननम है कबीर सिंह जी ये सिननम है और लाइक like जरूर कर दीजिए शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और एंड तक बने रहें क्योंकि आज लगभग हम फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड्स और करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड है आपका टॉडरी टॉडरी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है छोड़ देंगे ड्रॉस ड्रॉस इंपॉर्टेंट वर्ड है समथिंग रिगार्डेड एज वर्थलेस या रबिश ठीक है आप कह सकते हैं यूजलेस मीनिंग क्या निकलेगा यहां पर यूजलेस ठीक है जी यूजलेस मीनिंग निकल सकता है अब यहाँ पर फैटर जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे आप फैटर को ठीक है अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है दैट इज इन्योर ठीक है क्या होगा इन्योर होगा हाँ जी इन का मतलब होता है एक्स्टम जब आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाए ठीक है समथिंग अनप्लीजेंट होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो उस पर काम करना टिन सीजन टेम्पर ठीक है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आता है दैट इज आर्डर ठीक है वर्ड क्या है आर्डर भाई स्क्रीन तो क्लियरली uh, विजिबल है आई गेस ठीक है मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है स्क्रीन के विजिबिलिटी में है ना कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ जी नेक्स्ट है इनसूसियंट ठीक है इनसूसियंट का मतलब होता है जब आप किसी की तरफ ज्यादा परेशान नहीं होते हैं बिना परेशानी के कोई काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं इनसुसियंट बोलते हैं Untroubled, जब आप परेशानी नहीं ले रहे होते हैं सागर बंसल जी बिल्कुल नहीं ठीक है हम पढ़ रहे हैं हम एमसी नहीं कर रहे हैं इसका टेस्ट भी है ठीक है तो प्लीज आप इस तरीके से क्वेश्चन ना करें है ना नेक्स्ट है डल सेट ठीक है डल सेट का मीनिंग होता है कोई स्वीट और सूथिंग साउंड ठीक है उसके लिए हम डल सेट यूज़ करते हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वर्ड हमारे पास है साउंडलिंग मेलीफिल्स ठीक है सूथिंग मेलो तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इसके साथ नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लिबर्टीन लिबर्टीन होता है स्पेशली जब आ, फ्रीली किसी काम में आप इंडल्ज होते हैं तो उसके लिए हम लिबर्टीन यूज करते हैं लिबर्टी से आता है ठीक है आप याद रखेंगे लिबर्टी से आता है डेसीसेट इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है याद नहीं रखेंगे पेल्यूसिड इंपॉर्टेंट है ल्यूसिड से आता है याद रखिएगा ठीक है तो ट्रांसलूसेंटली क्लियर कल भी हमने ट्रांसलूसेंट वर्ड किया था तो वहां से याद रखेंगे ट्रैक्टेबल ट्रैक्टेबल का मीनिंग होता है ईजी टू कंट्रोल कल भी ये वर्ड यूज किया गया था ठीक है तो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं कुछ वर्ड्स याद रखेंगे आप प्लीज मैं बताता जा रहा हूं कल जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं मैं बार बार आपको बताऊंगा पेरिया पेरिया का मतलब होता है एनआउट कास्ट ठीक है मतलब कोई जो है बाहर की कास्ट का जिसे अनटचेबल मान लिया जाता है उसके लिए हम पेरिया वर्ड यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेड्यूलस ठीक है अब सेड्युलस क्या होता है बहुत ज्यादा जब आप ना एक तरीके से अगर हम कहें तो डेडिकेशन या डिलीजेंस शो करते हैं काम करने में ठीक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सेड्युलस यूज करते हैं ठीक है शोइंग डेडिकेशन एंड डिलीजेंस तो डिलीजेंट का मतलब आप समझ लेंगे बहुत ज़्यादा केयरफुल ठीक है मेटिकलस भी इसी के लिए यूज़ करते हैं एसिड्यूएस भी इसी के लिए यूज़ करते हैं कई बार देखा गया एग्जाम में एसिड्यूस वर्ड यूज होते हुए तो एसीड्यूस याद रखना है आपने अब नेक्स्ट है टैकी टन सॉरी इंटरपिड इंटरपिड का मतलब कल भी था फियरलेस और एडवेंचरस टैकी टर्न का मतलब देखो रिजर्वड और अनकम्युनिकेटिव अभी हमारे पास इसका एंटोनियम यूज़ हुआ था ठीक है Uh, जिसे हमने क्या बोला था गेरुलस ठीक है ना ये यूज किया था गेरुलस वर्ड यहां पर यूज किया था तो याद रखेंगे आप ठीक है गरुलेस का एंटोनियम क्या होगा टेकी होगा भाई और शेयर कर दें भाई अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन दल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस नेक्स्ट है कैरीड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट ठीक है एफर्ट बिना एफर्ट के बिना इंटरेस्ट के हेजिटेटिंगली अगर आप किसी चीज को फॉलो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पर उसे क्या बोलते हैं पर फंक्ट्री बोलते हैं अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड आता है मोरोज मोरोज का मीनिंग होता है saline, या फिर इल कोई चीज जो बहुत ही बुरी तरीके से आपके सामने आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं इल इलटेम्पर्ड बोलते हैं ग्लूमी आएगा यहां पर या बैड टेम्पर्ड आएगा याद रखेंगे ट्रांजियंट याद रखेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इसी के लिए अभी एफेमरल वर्ड जो था हमने यूज किया था इमपर्मनेंट कह सकते हैं डेमर डेमर वर्ड था जब आप ऑब्जेक्शन को रेज करते हैं बढ़ाते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट करते हैं ठीक है इशू को ऊपर ले जाते हैं आगे ले जाते हैं तो उसके लिए डिमर वर्ड यूज होता है ठीक है कई बार एग्जाम्स में आया है भाई रिप्रोब्रेट ठीक है अनप्रिंसिपल्ड पर्सन आप कह सकते हैं रॉग रास्कल स्काउंट्रल गुड फॉर नथिंग विलन आप इसका सबसे सिंपल जो वर्ड है वो क्या याद रख सकते हैं विलन ठीक है जी अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड है इक्वीपॉइज ठीक है पॉइज और इक्वी दोनों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम जो हैं वो किसकी बात कर रहे हैं बैलेंस की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम बैलेंस इवननेस ठीक है और सिमेट्री या फिर पैरिटी तो ये सारी चीज़ें यहां पर ऐड हो जाएंगी हाँ जी क्लियर है बिल्कुल इन वर्ड्स का एंटोनियम हमने खुद करना है भाई और कुछ तो यहाँ पर भी मिल ही जाएगा तो ये देखो ये दोबारा रिपीट हो गया एक्सेसिव टॉकीनेस ठीक है नेक्स्ट वर्ड है लेसीट्यूड स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वियरनेस ऑफ एनर्जी आप लेजीनेस कह सकते हैं लेजीनेस के लिए कल भी बहुत वर्ड जो थे वो यूज हुए थे एरेंट ठीक है ये यूज नहीं होता है बहुत कम यूज होता है कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है भाई फॉलोइंग एज अ रिजल्ट और इफेक्ट जब आप कॉन्सिक्वेंस से आता है कॉन्सिक्वेंशियल ठीक है तो किसी रिजल्ट को फॉलो कर रहे हो उसके लिए यूज होता है ठीक है अब नेक्स्ट आता है साइकोफैंट साइकोफेंट होता है पर्टिकुलरली uh, अगर हम कहें तो क्रीप या फिर uh, अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा फ्लैट फ्लैटरर जो होता है चापलूस जो बंदा होता है उसके लिए हम साइकोफेंट वर्ड यूज करते हैं क्या यूज करते हैं साइकोफेंट तो आप फ्लैटरल से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका है ना अब नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आता है दैट इज अटेंश अटेन अटेनुएट का मतलब होता है जब आप फोर्स इफेक्ट कम कर देते हैं ठीक है उसके लिए वीकन रिड्यूस लेसेंड इसके लिए हम अटेनुवेट वर्ड यूज करते हैं नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंट तो ये तो आप सभी को क्लियर है अ यंग चाइल्ड और बेबी ठीक है अब नेक्स्ट है प्रीकेरियस ठीक है अनसर्टेन प्रीकेरियस क्या होता है अनसर्टेन होता है ठीक है इनसिक्योर अनरिलायल अनश्योर जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं ठीक है जी अब नेक्स्ट वर्ड यहां पर मोर्टेलिटी ये भी आपको पता है स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ मरने वाला पर्सन मोर्टैलिटी मोर्टल के कॉन्टेक्स्ट में आता है है ना अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड क्या आता है एनरवेट वर्ड इज एनरवेट एनरवेट का मीनिंग क्या है मेक फील ड्रेन ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी टायर फिटिकनेस वियरी ठीक है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं hapless, hapless का मीनिंग क्या होता है अनफॉर्चुनेट ठीक है अनलकी लकलेस आउट ऑफ लक ठीक है उसके लिए वर्ड यूज होता है अब इक्वी कल भी यूज हुआ था ठीक है जब आपके विचार जो हैं वो क्लियर ना हो <coughs> उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इक्वी वोकेट यूज करते हैं पर्सवेड ये कल भी आया था जब आप किसी को पुश करते हैं कोई काम करने के लिए थ्रू फ्लैटरी हो या फिर खुशामद जिसे हम बोलते हैं उसके लिए पर्सवेड यूज किया जाता है एसिड बस अभी यूज हुआ था जब आप बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंट और केयरफुल बिहेव करते हैं तो उसके लिए एसिडुअस वर्ड यूज करते हैं डिजर्टर्स डिजर्टर्स का मतलब होता है भागने वाले फ्यूजिटिव ठीक है भगौड़े क्या होता है द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस जब आप वो टाइम जिस ड्यूरेशन में आप ऑफिस पर होते हैं हाँ जी तो देखो मैंने बहुत जल्दी बहुत तेज आपको कराने की कोशिश की कोशिश वर्ड्स तक हम फिर से पहुंच गए कल हमने फिफ्टी वर्ड्स के आसपास किए थे आज हमने फिफ्टी वर्ड्स के आसपास अभी तक कर चुके हैं आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिर और वर्ड्स करते हैं हाँ जी कोई डाउट है पूछ लीजिए गो अहेड विद योर डाउट्स सॉरी <coughs> और इतने सारे लोग लाइव हैं भाई लाइक बहुत कम है क्या बात है क्या इशू है ठीक है पसंद नहीं आ रहा लेक्चर कोई सुझाव है दे सकते हैं आप लेक्चर से रिलेटेड किस तरीके से हम जो है आ, आगे बढ़ें प्रोसीड करें रिविज़न कोर्स को आप बता सकते हैं बेझिझक और शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल बहुत तेज और सुपर फास्ट कराऊंगा भाई ठीक है देखो रिवीजन उसी का नाम है नहीं आपको नहीं लगता आप सभी को रिविजन उसी के लिए होता है है न रोहित अग्रवाल जी ठीक है डाउट सेशन में जल्दी लूंगा डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है आई विल ट्राई टू कवर आई आई विल ट्राई टू टेक एज मेनी एज एज डाउट्स आई कैन टेक हाँ जी फातिमा हसन जी बिल्कुल याद करने पड़ेंगे देखो बिना याद करे तो काम नहीं चलेगा है ना थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ते भी रहेंगे ना एक बार मैंने करा दिया एक बार आपने कर लिया ठीक है तो वो ईजिली हो जाएगा ना वो इजीली हो जाएगा अगर आप एक बार भी और कर लेंगे हाँ जी लेटेस्ट वर्ड्स हैं ठीक है लेटेस्ट वर्ड है लेटेस्ट वर्ड्स हैं सॉरी इसकी पीडीएफ कल शाम को आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं ठीक है इकरा यासमीन जी कल शाम को मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ कंप्लीट थाउजेंड वर्ड्स वाली हां जी दोबारा भी देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई ठीक है अगर कोई और डाउट होता है हाँ जी शेयर किया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा राहुल कुमार जी नहीं कंपटीशन बढ़ेगा नहीं ठीक है कंपटीशन बढ़ेगा नहीं हाँ जी हाँ जी रोहित अग्रवाल जी चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी देखते हैं ब्यूरोक्रेसी वर्ड आ गया देखो ब्यूरोक्रेसी तो आपको पता ही है ठीक है जब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हो जाए रेड टेपिज्म से बोलते हैं रूल्स आ जाएँ रूल्स आ जाएँ बहुत सारे इनएप्ट कल भी आया था अनस्किलफुल ठीक है अनस्किलफुल entangle ठीक है entangle क्या होता है याद रखेंगे ठीक है जब बहुत ही ज़्यादा आप फंस जाए ट्विस्ट हो जाए कोई चीज़ ना तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं Entangle यूज करते हैं नोवाइस कल भी आया था याद है ना सभी को नोवाइस कल भी आया था ठीक है बिगिनर था इसके लिए लर्नर ठीक है बिगिनर या फिर लर्नर लेजिटिमेट अब ये तो है कि भाई ये वैलिड होता है लेजिटिमेट क्या होता है वैलिड होता है वैलिड पॉइंट के लिए है ना विजय जी कट ऑफ के बारे में मत पूछिए कट ऑफ कुछ भी रह सकती है आपने पढ़ना है सिर्फ आपने बस ये याद रखना है ठीक है कट ऑफ याद मत रखिए सलाइंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत नोटिसबल कल भी ये वर्ड यूज हुआ था तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो ईजिली आपको रिवाइज़ होंगे अगर आप ये uh, जो पी डी एफ हैं पढ़ते हैं एम्बीविलेंट देखो फिर से आ गया सरेंडिबिटी फिर से आ गया देखो ये ना वर्ड्स बहुत बार जो हैं वो आपको आएंगे ठीक है तो आपने परेशान नहीं होना है अब देखो यहाँ पर आता है रेमिफिकेशन रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स और अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस एन एक्शन और इवेंट ठीक है मतलब कॉन्सिक्वेंस याद रखेंगे बस रिजल्ट आफ्टर मैथ आउटकम ये याद रखना है ठीक है अब यहां पर देखो लैविश लेविश का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रिच कोई चीज एलैबोरेटिवली लग्जीरियस अब इसके लिए वर्ड जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये समचुअस ठीक है समचुअस वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो आपने लेविश के लिए वर्ड जो है वो ये याद रखना है ठीक है अब नेक्स्ट आता है इन्सॉलेंट इन्सॉलेंट का मतलब होता है जब आप एरोगेंट लुक शो करते हैं इम्प्यूडेंट भी इसके लिए यूज होता है हीप का मतलब होता है पुट पुटिना हीप ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा ढेर लगा देना किसी चीज़ का अबंडेंस कर देना ठीक है स्टैकअप या फिर स्टैक या मेकअप पाइल ऑफ मेकअ स्टैक ऑफ

ग्रीगेरियस जब बहुत ही ज़्यादा आप कंपनी में जो है फॉलो करते हैं अपने आप को ठीक है कंपनी में लेकर के चलते हैं झुंड में ठीक है झुंड बोलते हैं फॉन्ड ऑफ कंपनी सोशिएबल मैन इज अ ग्रीगेरियस एनिमल इस तरीके से यूज़ करते हैं ठीक है ये आ गया एनिग्मा होता है मिस्ट्री ठीक है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड आप कह सकते हैं एक तरीके से मिस्ट्री ठीक है क्या कह सकते हैं मिस्ट्री कह सकते हैं पजल कह सकते हैं रिडल कनंड्रम कल भी यूज़ हुआ था पैराडॉक्स हो सकता है प्रॉब्लम Espionage, spy से आता है espionage. याद रखना बिल्कुल सही है भाई इकट्ठा करना फातिमा का आंसर बिल्कुल सही है हाँ जी बिल्कुल विशाल मेहता जी. एंटोनियम्स भी करना है अब यहां पर क्या आएगा द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग मीनिंग क्या होगा प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग स्पाइन एज स्पाइस से आता है ध्यान रखना यहां पर देख लो यहां से आ गया रेस्टिव याद नहीं करना है बहुत कम यूज होता है ठीक है एसुएज Aswage का मतलब क्या होता है कोई चीज जब आप लेस इंटेंस बना दे बहुत ईजिली लेकर के चले ठीक है सूथिंग वे में तो उसे क्या बोलते हैं एसुविज बोलते हैं नेक्स्ट है सैंगविन सैंगविन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो ठीक है कोई जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो और वो ऑप्टिमिस्टिक बिहेव कर रहा हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सैंगविन वर्ड यूज करते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक याद रखना होपफुल याद रखना अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो आता है एक्ोलेड आता है ठीक है एकोलेड का मतलब होता है ऑनर ठीक है रिकग्निशन मीनिंग क्या होता है ऑनर या फिर रिकग्निशन ठीक है एकोलेड अब यहाँ पर आया एकोप्रिफल ठीक है क्रिफल सॉरी एक् क्रिफल होता है जब बहुत ही ज्यादा कोई चीज बनी बनाई हो मन घड़न तो बोलते हैं ना उसके लिए आता है एपोकलिप्स से याद रख लेना ठीक है एक सॉरी एपोकलिप्स से याद रख लेना भाई ठीक है अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया हार्बिंगर हार्बिंगर का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस ठीक है मतलब साइन इंडिकेटर या फिर सिग्नल ठीक है मतलब कोई और चीज का अनाउंसमेंट करें कोई और चीज़ के बारे में हिंट दें ठीक है उसके लिए हम जो है इस वर्ड को यूज करते हैं अब इसके बाद आया रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट होता है डिसपैशनेट या फिर सेल्फ कंट्रोल्ड सेल्फ रिलायंट या सेल्फ रिस्ट्रेंट जो अपने आप को रोक कर रखे बहुत ज़्यादा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं रिस्ट्रेंट वर्ड यूज़ करते हैं अब इसके बाद आता है एडेज एडेज का मीनिंग क्या होता है एक प्रोवर्ब वैसे ज़्यादा यूज नहीं होगा ठीक है तो याद नहीं रखना है एस्ट्राज सॉरी एस्ट्राज भी वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होगा ठीक है ट्रेपडेश uh, ट्रेपिडेशन भी यूज़ हो सकता है ठीक है फियर के लिए यूज होता है इंट्रपिड जैसे वर्ड था ना वैसे ही ट्रेपिडेशन है तो आप ये याद रखेंगे इंट्रपिड से आ जाता है ठीक है तो इंट्रपिड ये याद रखना है ठीक है इंटरप्रिट याद रख लेंगे ये सारा चीज आपको क्लियरली याद रह जाएगा इन ठीक है अब देखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है इनएविटेबल याद रखना बहुत यूज होता है अनबल कोई चीज हो ना जिसे आप अवॉयड ना कर पाए ठीक है मतलब होनी ही होनी है ठीक है बिल्कुल आप उसे छोड़ ही नहीं सकते या उससे बच नहीं सकते उसको हम क्या बोलते हैं इन एविटेबल बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई इन एविटेबल बोलते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं unassailable ठीक है अनअसेनेबल अनएबल टू बी अटैक जिस पर जिस पर पर्सन पर अटैक ना हो सके क्वेश्चन ना किया जा सके या जिसे डिफीट ना किया जा सके उसके लिए unassailable वर्ड यूज़ किया जाता है ठीक है जी अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है मीनेस ठीक है मतलब कोई आ, ऐसा पर्सन है या थिंग है जिससे हमेशा क्या हो सकता हो हानि हो सकती हो हार्म हो सकता हो उसको हम क्या बोलते हैं मीनेस बोलते हैं यू आर क्रिएटिंग मीनेस हीर डेंजर पेरल रिस्क हज़ार्ड ठीक है ये वर्ड्स हैं जियोपाडी ठीक है जियोपाडी जियो भी यूज़ करते हैं क्वियर क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर ऑड कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही हो उसके लिए क्वियर वर्ड यूज़ किया जाता है ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आता है डैम्पिन डैम्पिन का मतलब होता है ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वेट ठीक है जैसे तौलिया है तौलिया वेट है तो डैमपिन आप यूज़ कर सकते हैं सैगविन बिल्कुल काबिल है वर्ड मीनिंग ठीक है सभी का सही है भाई प्री पॉन्डरेंस ठीक है प्री का मतलब होता है कि आप जो है पहले से ही उस पर आ, नजर गड़ाए बैठे हो डोमिनेंस हो आपकी पहले से ही आप उस पर राज करते हो उसे क्या बोलते हैं प्री बोलते हैं तो प्री पॉन्ड देखो यहां पर भी देखना प्री ऑफ वुमेन अमंग ऑल पीपल ठीक है तो मतलब प्री चलती है अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आया वेस्ट ठीक है वेस्ट का मतलब होता है बिस्टो कोई चीज़ जो प्रोवाइड हो जाए ठीक है मतलब आपने किसी पर न्यौछावर कर दी है पावर तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वेस्ट यूज करते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आया इलिसिट इलिसिट का मतलब क्या होता है इलीगल अनलॉफुल या फिर बैंड ठीक है तो आपने याद रखना है इलिसिट इलीगल ठीक है इस तरीके से याद रखेंगे रिडेंडेंट रिडेंडेंट जिसका कोई यूज ना रह गया हो उसको क्या बोलते हैं रिडेंडेंट बोलते हैं नो लॉन्गर इन यूज या फिर आउटडेटेड याद रखेंगे ठीक है ना आउटडेटेड याद रखेंगे भाई ठीक है ग्लिंपस ग्लिम्पस का मीनिंग क्या होता है ब्रीफ लुक ग्लान्स ठीक है तो वैसे भी आपको याद है कंसेंसस होता है जनरल एग्रीमेंट देखो कंसेंसस कंसेंसस आप नॉर्मली भी फॉलो करते हैं जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्ट की जाती है थ्रू कंसेंसस तो वहां से भी आप इसे याद रख सकते हैं एग्रीमेंट हारमोनी कॉनकॉर्ड ठीक है ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इसी के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है जी तो आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए डन क्लियर है भाई कोई डाउट तो नहीं है किसी को है ना अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना भाई ठीक है अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डेलीनिएशन कल भी ये वर्ड यूज़ किया गया था प्रेजेंटेशन किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए अब नेक्स्ट वर्ड आया डिबैकल ठीक है फेलियर के लिए यूज करते हैं सडन फेलियर हो जाए ना किसी चीज में तो डिबेकल जैसे अभी उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी तो उसे डिबेकल बोला गया था ठीक है कैटास्ट्रॉफी ठीक है डिजास्टर ये कैटास्ट्रॉफी जो है बहुत बार यूज होता है इंटरमीटेंट uh, इंटरमिटेंट होता है ब्रोकन और इररेगुलर ब्रोकन और इरेगुलर ध्यान रखेंगे बेलीग्यूर बेलीग्यूअर का मीनिंग क्या होता है ले सीज टू बिसज किसी चीज को आपने जो है घेर लिया हो ठीक है उसके लिए हम क्या है बेगिगर बेलीगर बेली यूज करते हैं ज़्यादातर यूज होता है हेमड या फिर सीज ठीक है आप ये वर्ड याद रखेंगे रादर देन दिस वर्ड ठीक है इसको याद नहीं रखना है नेक्स्ट है ट्रांसग्रेशन ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है ऑफेंस ठीक है रॉन्ग कोई चीज हो तो उसके लिए ट्रांसग्रेशन वर्ड यूज किया जाता है अब देखो लैक लस्टर लैक लस्टर क्या होता है बताओ ठीक है जिसमें आ, लेजीनेस हो Uh, कमी हो बहुत ज्यादा उसके लिए लैक लस्टर जो है वर्ड यूज किया जाता है ध्यान रखना लैकिंग इन vitality और फोर्स ठीक है याद रखेंगे अन इंस्पायर्ड हो बहुत ज्यादा अन इंस्पायर्ड हो चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपना हम्मरिनिटी ये तो याद ही होगा पावर या डोमिनियन सुप्रीमेसी के लिए यूज करते हैं ये वर्ड ठीक है रिलेवेंस किसके लिए आता है एप्लीकेबिलिटी के लिए आता है एप्लीकेशन के लिए सिंपल वर्ड था ब्लैटेंट बहुत बार यूज होता है याद रखना ब्लैटेंट पाकिस्तान ब्लेंडेंट ब्लेटेंट चाइना ठीक है मतलब अगर हम कहें तो अनअशीम्डली अगर वो कोई चीज़ करते हैं बैड बिहेवियर को जिद करते हैं तो उसके लिए जो है हम ब्लैटेंट वर्ड यूज करते हैं नेक्स्ट है क्रिटिक क्रिटिक क्या होता है इवेल्यूएटिव जब असेसमेंट करते हुए कोई चीज़ बता दी जाती है तो उसे क्रिटिक बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रिटिक बोलते हैं पेरी तो याद होगा सभी को बाउंड्री के लिए यूज होता है जेस्चर्स सिग्नल ठीक है डेरेलिक्ट डेरेलिक्ट आता है डेरेलिक्शन से तो अनसेफ डेंजरस हजारडस पेरिलस ठीक है पेरिल बहुत बार वर्ड यूज़ होगा हाँ जी क्लियर हो रही है ना सारी चीज़ें ये बता दो मुझे जल्दी से हो रहे हैं 178 वर्ड पर पहुंच गए हम ठीक है और देखो अभी तक मैंने सिर्फ आपको ट्वेंटी मिनट्स का लेक्चर लिया है तो हम काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं ठीक है आपको बस थोड़ा सा अगर आप सुन भी रहे हैं तो भी आपको याद हो जाएगा ठीक है अगर बस आप सुन रहे हैं सुनने की कोशिश कर रहे हैं शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं बस आपने थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनना है ठीक है मेरा काम है सिर्फ अभी आपको सुनाना वर्ड्स को ठीक है आप उसे याद रखेंगे बाद में ठीक है आप, आप, आप उसे याद रखेंगे बाद में बिल्कुल शाहरुख जी और कल भी वर्ड यूज हुआ था बार बार वर्ड यूज होता है ये ठीक है आपने याद रखना है वो बहुत देर से डाउट नहीं पूछ रहा है ठीक है वो प्लेलिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं और प्लेलिस्ट के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मंडे कल बन जाएगी आज भाई छुट्टी थी ठीक है प्लीज ओडेसिटी बोल्डनेस डेयरिंग ब्रेवरी एग्जैम्पलीफाई एग्जैम्पलीफाई देखो मीनिंग क्या होता है कि जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दें उसे एग्जाम्पलीफाई बोलते हैं टाइपीफाई आ जाएगा एपिटोमाइज आ जाएगा सिंपलाइज आ जाएगा फैसिनेटिंग का मतलब आप सभी को पता ही है बहुत कोई चीज जो आपको डरा दे ठीक है शॉक कर दे हाँ जी है ना हाँ जी ये वर्ड्स काफी इनफ होने चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई नेक्स्ट है इनवोक इनवोक करना मतलब किसी के साथ अपील करना ये समझ करके चलेंगे कि इनवोक का मतलब क्या है अपील करना होता है ठीक है अपील करने के लिए हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं ये देख लेंगे प्रे है सॉलिट है सप्लीकेट है ये दो वर्ड्स याद रखने अब यहां पर आता है एसेंट एसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट ठीक है क्या मीनिंग होता है एग्रीमेंट एक्सेप्ट अप्रूव कॉन्सेंट ठीक है फ्लाई यूज नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्ड फिर से वही आ गया असेंट ठीक है याद रखेंगे अकॉर्ड का मतलब क्या होता है एग्रीमेंट होता है डिसेंट डिसएग्रीमेंट होता है तो इन दोनों का यहां पर ये मिल क्या मिल गया आपको एंटोनियम मिल गया क्या मिल गया एंटोनियम मिल गया है हाँ जी क्रिटिसाइज जो है वो डिफरेंट है भाई और क्रिटिक जो है चित्रा मिश्रा जी वो डिफरेंट है पीडीएफ इसकी प्रिया कुमारी जी कल मिल जाएगी डोंट अग्री हाँ जी तो डिसएग्रीमेंट लैक ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंस आर्ग्यूमेंट डिस्प्यूट अब नेक्स्ट वर्ड आया पोच ठीक है तो पोच देख लेंगे हम ठीक है ना देखो पॉच का मीनिंग क्या है वेस्टिब्यूल ठीक है फॉयर हॉल एंट्री लॉबी पोर्टल ठीक है तो आप सिर्फ याद रखें द नॉर्थ पॉच ऑफ हेरेफोर्ड कैथेड्रल मतलब जहां से आपने एंट्री की है अगर आप देखें तो यहां पर इनफिल्ट्रेट नेक्स्ट वर्ड है पेनिट्रेट इसका मीनिंग होगा इन्वेड किसी की सीमा में घुस जाना इनफिल्ट्रेशन आपने सुना होगा <coughs> हाँ जी अब यहाँ पर फिएस्टा फिएस्टा तो आप सभी को पता है फोर्ड फिएस्टा से याद रखने ना फेस्टिवल कार्निवल किया की हो जाएगी है ना फ्यूजन ब्लेंड कॉम्बिनेशन एमलगमेशन याद रखने वाली चीज़ क्या है एमलगमेशन नेक्स्ट है इंटेरोगेशन इंटेरोगेशन तो सभी को पता ही है ठीक है क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ होता है ट्रेवर्स ट्रेवर्स होता है नेगोशिएट के लिए ट्रेवर्जन किसके लिए यूज होता है नेगोशिएशन के लिए एडजंक्ट एडजंक्ट होता है एडजंक्शन से याद रखेंगे जंक्शन इसमें वर्ड यूज़ हुआ है ठीक है वो क्या है एडिशन है तो कॉम्प्लीमेंट है ये याद रखने वाला वर्ड है ठीक है जी अब नेक्स्ट है जेनेसिस जेनेसिस होता है ओरिजिन सोर्स ठीक है जेनेसिस याद रखेंगे आप ठीक है जैसे पता नहीं कौन सी मूवी है वो जेनेसिस से ही शुरू होती है कोई बात नहीं राकेश चौधरी जी नेक्स्ट है अरमेडा अरमेडा क्या होता है फ्लीट ठीक है नेवी स्क्वाड्रन उसके लिए एरमेडा वर्ड यूज किया जाता है अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास सिविक सिविक होता है म्यूनिसिपल सिटी टाउन अर्बन मेट्रोपॉलिटन के लिए कैनन होता है रूल ठीक है एक कैनन दूसरा है वो तोप के लिए यूज होता है ये कैनन दूसरा है ये लॉ टी या फॉर्मूला के लिए यूज किया जाता है ठीक है जी अब इसके बाद जो हमारे पास वर्ड्स आए हैं वो हैं कूपर कूपर का मीनिंग है किसी चीज़ को बनाना रिपेयर करना ठीक है अ मेकर रिपेयर ऑफ कास्ट एंड बैरल ठीक है कोई पर्सन जो है वो बनाता है जैसे बंदूक की नली होती है बैरल होता है उसे बनाता है तो उसके लिए हम कूपर यूज करते हैं वल्नरेबल एट रिस्क या फिर इन डेंजर ठीक है इसके लिए पैरल भी वर्ड यूज किया जाता है ठीक है जी अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज रूबर रूबर का मतलब होता है बहुत घूमने वाला ट्रैवलर ठीक है उसके लिए वर्ड यूज होता है थ्रॉल थ्रल का मीनिंग क्या है पावर कंट्रोल ग्रिप ग्रैस्प ठीक है तो आप ये चीज़ याद रखेंगे हाँ जी रोहित जी क्लास जो है हम डेली ही लेते हैं ठीक है जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या आ गया रेजिमेंट अनफिट आउटफिट फोर्स ठीक है ये तो बहुत बार रेजिमेंट जो है वर्ड आपने सुना होगा ट्रेवल का मतलब क्या होता है कर्ब या फिर रीस्ट्रेंड ठीक है तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है आई गेस के आ, समझ में आ जाएगा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए गो एहेड विद योर डाउट्स हाँ जी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज <coughs> हाँ जी अंकित कुमार जी अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको हां जी गो एड विद योर डाउट्स इफ यू गाइज हैव एनी हां जी आज के लिए इतना ही रखेंगे आज हमने लगभग 150 वर्ड्स पढ़े हैं ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि याद किए हैं पढ़े हैं ठीक है कोई बात नहीं संदीप चौधरी जी आज मैं 150 फिफ्टी कराऊंगा कल भी 150 फिफ्टी वर्ड्स होंगे तो टोटल जो है तीन दिन में मैं आपको 350 फिफ्टी वर्ड्स करा दूंगा ठीक है याद एक बार और पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे परसों जब टेस्ट होगा तो याद हो जाएंगे राकेश चौधरी जी डे डे आफ्टर यस डे बिफोर सॉरी डे आफ्टर टुमारो वी विल बी अ टेस्ट ठीक है तो वहां पर भी याद हो जाएंगे है ना वहां पर भी याद हो जाएंगे ठीक है जी आ, टोटल थाउजेंड वर्ड्स हैं पीडीएफ में पीडीएफ आपको कल शाम को मैं प्रोवाइड करा दूंगा सो so दैट आप टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकें और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें एर्मेडा का मीन्स है जब बहुत ज़्यादा आप जो है प्लाटून बना लें ठीक है एक ग्रुप बना लें अरमेडा होता है एक तरीके से फ्लीट ठीक है नेवी के लिए यूज़ किया जाता है स्क्वाड्रन के लिए यूज़ किया जाता है बिल्कुल लक्ष्मी जी मैं मान के चल रहा हूं कि ये वर्ड काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ठीक है अंकित कुमार जी हम एरर्स भी करेंगे डोंट वरी ठीक है हम कोशिश करेंगे कि एरर्स भी करें है ना हाँ जी पीडीएफ मैं कल शाम को आपको प्रोवाइड कर दूंगा लक्ष्मी यादव जी सभी ठीक है डोंट वरी वहाँ से आपका जो है और अच्छे से आ, रिविजन हो जाएगा क्योंकि परसों आपका टेस्ट होगा है ना कोई और डाउट है कोई और क्वेश्चन है तो आप बता दें चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है कल मिलते हैं कल रात को नौ बजे ठीक है जी देन थैंक यू वेरी मच थैंक यू गाइस ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है वाइट uh, डेविल जी जो बहुत कम टाइम के लिए रहा हो ठीक है बहुत कम टाइम के लिए रहा हो हाँ जी चलिए ठीक है जी देन थैंक यू वेरी मच थैंक यू गाइस हाँ जी टेस्ट यूट्यूब पर ही होगा असलम जी ठीक है जी थैंक यू वेरी मच